अभी मैं हूं महर पी ने लिखा है कि तहजीब का फर्क उस वक्त भी हो सकता है कि जब दो लोग एक ही शहर एक ही जोग्राफी और एक ही समाज में रहते हों इस तहजीबी फ़र्क को, को कोई कल्चर कम कर सकता है और ना ही कोई सकाफती कोशिश तहसीबों के तसादों का अंदेशा जाहिर करने वाले इस मगरबी दानश्वर के तमाम तर खात हकीकत बनकर मुसलमानों पर टूट पड़े हैं अगर कोई ना माने तो बर्मा के सूबे अराकान में जाकर देख ले कि जहां तहजीब के इस फर्क की भीट बुद्ध मजहब के अमन पसंदी भी चढ़ चुकी है और मुसलमान तो खैर उसका खून तो है ही इसलिए कि कभी सियासत की कुर्बान गाह पर बहा दिया जाए और कभी बरबरीत के नेजों पर कल मागो की नुमाइश लगा दी जाए तहजीब के इस फर्क को अगर कोई मुसलमान वाजे करने की कोशिश करे तो आजकल की इस में वो शिद्दत पसंद है और अगर इसी फर्क को बुनियाद बनाकर कोई मुसलमान बच्चों को भी जबा कर डाले तो बर्मा के वजीर खार जाोना वॉन्ग लियोन का यह फरमान है कि ये हमें बदनाम करने की कोशिश है और हम इस मसले को आलमी अहमियत नहीं देंगे मुसलमानों की हालत का अंदाज़ा यूं लगाइए कि बर्मा में सियासी जद्दोजहद की अलामत और नोबेल इनाम याफ्ता ऑंग सेंकी का भी जमीर उन्हें कुछ कहने से रोक ही रहा है अभी तक दिस नॉट मच दैट्स कम आउट फ्रॉम हर ईदर तहजीबों का फर्क क्या इतना बड़ा और घिनौना होगा ये शायद सैम्यूल पी हंटिंगटन को भी मालूम नहीं होगा लेकिन बर्मा के सूबे अराकान के मुसलमान को बखूबी मालूम है आज एक एम भी तय पाया है पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इन दोनों की हकीकतें इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं आज डिस्कस होंगी आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक स्टे विद बैक पाकिस्तान का शुक्रिया वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर आज बात होगी बर्मा के मुसलमानों के हवाले से उनके साथ क्या हो रहा है क्यों हो रहा है और अगर कोई ये जानबूझ के कर रहा है और कुछ लोग और कुछ ऐसी कुतें भी हैं जो खामोश हैं तो वो क्यों हैं साथ साथ हम उस एम ओ यू का भी जिक्र करेंगे कि जो अब अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान नेटो के हवाले से साइन हो चुका है तय पा तय पा गया है इसके ऐसे कौन कौन से चीदा निकात हैं जो शायद आपको भी चौका देंगे हमें इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सामोल अब्खचांडियो साहब मौजूद है फेडरल मिनिस्टर फॉर पोटिकल अफेयर्स हमारा साथ दे रहे हैं जैद हामिद साहब डिफेंस एनलिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं जावेद हफीज़ साहब फॉर्म एम्बेडर टू बर्मा और हाफि सलमान बट साहब लाहौर से जमात इस्लामी के लीडर हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया असलम जैद साहब आपसे आगाज़ करूंगी बर्मा में हो क्या राय देखिए मेहर जब जियो पॉलिटिक्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट और मुसलमानों से नफरत इकट्ठे हो जाए तो फिर बर्मा बनता है थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताने दीजिए बर्मा का मामला यह है कि बहुत अरसे से बर्मा की हुकूमत के खिलाफ मगरबी ताकतों ने सेंक्शंस लगाई हुई थी क्योंकि इसका इंटरेस्ट चाइना की तरफ बहुत ज्यादा था और यह चाइना से इसको खींच के अपनी तरफ लाना चाहते थे ताकि वेस्टर्न पावर्स वेस्टर्न इकोनॉमिक इंटरेस्ट बर्मा में तेल और गैस के बहुत बड़े बड़े जखीरे हैं और साथ साथ चूंकि इस वक्त इंडिया जो कि वेस्टर्न पावर्स के साथ अपने आप को अलाइन किया हुआ है और इंडिया की सरहद जो बर्मा से लगती है 1600 किलोमीटर है जी यानी बर्मा इसी तरह है उनके लिए जैसे हमारे लिए अफगानिस्तान है जिस तरह सेंट्रल एशिया हम नहीं जा सकते जब तक अफगानिस्तान से रास्ता ना निकालें इसी तरह इंडिया फार ईस्ट नहीं जा सकता जब तक बर्मा के थ्रू रास्ता ना निकाले और उसको मलेशिया जाने के लिए थाईलैंड जाने के लिए इसको बर्मा के थ्रू रास्ता निकालना <coughs> दूसरी बात ये कि जो इंडिया की जो प्रॉब्लम स्टेट्स हैं सेवन सिस्टर स्टेट्स जो कहलाती हैं शुमाल मशरक की उनकी रियासतें जो हैं जिनमें बोडोलैंड है मणिपुर बोडो है, है उन सबकी सरहद लगती है बर्मा के साथ और साथ साथ इंडिया जो है बर्मा में बड़ी पोर्ट बना रहा है एक बे ऑफ बंगाल में बहुत बड़ी एक बंदरगाह बना रहा है और अभी मनमोहन सिंह ने चंद रोज पहले एक डेढ़ महीना पहले 500 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन बर्मा को ऑफर की है कि पूरे बर्मा का इंफ्रास्ट्रक्चर रिबिल्डिंग इंडिया करेगा है भी है भी तो है। में भी की जाए और उसके नतीजे क्योंकि हुआ यह है बेसिकली कि अब जब बर्मा खुल रहा है मगरबी ताकतों के लिए मैकडोनल्ड और कोका कोला पहले ही पहुंच चुके हैं वहां पे अब पूरी दुनिया की फॉरेन मल्टी नेशनल खासतौर पर मगरबी मल्टी नेशनल बर्मा में पहुंच रही हैं ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स के लिए एक कॉम्पिटिशन है इंडिया के लिए अब जो फ्यूचर है उसका एनर्जी फ्यूचर वो बर्मा में से है वो ये चाहता है कि एनर्जी कॉरिडोर बनाए गैस पाइपलाइंस हो ट्रेड कॉरिडोर हो फॉर ईस्ट के लिए इस सारे फसाद के दरमियान रोहिंग्या मुसलमान एक ऐसे इलाके में आ गए हैं कि जहां पे इनके पूरे इलाके में ब्लॉक्स तकसीम किए जा रहे हैं एनर्जी कॉरिडोर बनाया जा रहा है पोर्ट्स बन रही हैं बे ऑफ बंगाल में अंडमान आइलैंड्स हैं जहां पे इंडिया के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड जहां पर बैठी हुई है और इंडिया अब इस वक्त यह चाहता है और रोहिंग्या मुसलमानों का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको ये बताएं कि वैसे तो ये तीन चार सौ साल से प्रोसिक्यूट किए जा रहे हैं ये ओरिजिनल बर्मीज नहीं है ये अंग्रेज जब से हिंदुस्तान में आए थे तो अंग्रेजों ने बहुत बड़ी तादाद में इंडिया से बंगालियों को और इंडियंस को सेटल किया था बर्मा में प्लांटेशंस के के लिए लिए काम करने के लिए. और और ये सेंचुरी से बहुत और पुराने वक्त जब दूसरी जंग अजीम हुई तो जब जापानी आपको याद होगा कि बर्मा में दाखिल हो गए थे जापानी जो थे जब बर्मा तक पहुंच चुके थे और ब्रिटिश फोर्सेज बर्मा में इनको रोकने की कोशिश कर रही थी उस वक्त ब्रिटेन ने इन लोगों को थोड़ा सा मुसल्ला भी किया था एज 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 ये जाके जापानीज का मुकाबला करें और ये पाकिस्तान बनने के वक्त ये चाहते थे कि हमें पार्टीशन में तकसीम करके पाकिस्तान से पाकिस्तान से मिला दिया जाए तो इनमें आजादी की लहरें भी हैं आजादी के और, और माजी में भी भी रहे हैं ये अंग्रेजों ने इनको मुसला किया था जापान आज इसीलिए इनको हमेशा बर्मा मगर में देखा की निगाह से तब की मैं जानना चाह रही हूं कि तब की प्रोसिक्यूशन और आज की प्रोसिक्यूशन में क्या फर्क यही मर्ज कर रहे हैं कि जो आज जुदो असल में पहले से ही हमेशा इनको नफरत की निगाह से देखा जाता था फिर ये जिस इलाके पर ये आबाद हैं वो सारा इलाका काट पीट के तोड़ के मल्टी नेशनल ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स में तकसीम करना अब जिस तरह देखिए इस्लाम आबाद का शहर है इस्लामाबाद हमने जब आबाद किया तो यहां मकामी आबादी थी लेकिन चूंकि अपने पाकिस्तानी थे लिहाजा इन्हें कॉम्पनसेशन दी गई पैसे दिए गए जमीने अलॉट की गई इनको कहीं और आबाद किया गया और तब इनकी जमीने ली गई ये रोहिंग्या के साथ ये नहीं करना चाहते हैं आसान तरीका क्यों? ये है आसान तरीक क्योंकि जैसे कहा कि मुसलमान हैं अच्छा जैसे ही कहा तो और भी मुख्तलि ग्रोह मुसलमानों के मौजूद हैं बर्मा, बर्मा में ओरिजिनल बर्मीज मुसलमान भी हैं जो कि ओरिजिनल बर्मीज हैं लेकिन रोहिंग्या जैसे हमने कहा ना कि इनको हमेशा से आउटकास्ट समझा जाता रहा इनको इतनी सख्ती है कि ये एक इलाके से दूसरे इलाके में सफर नहीं कर सकते शादी नहीं कर सकते जब तक कि पुलिस इजाजतनामा ना दे और नेशनैलिटी नहीं है इनके पास ये नो लैंड में फंस गए लिहाजा इन चंद लाख रोहिंग्या को अब स्लॉटर करके निकाला जा रहा है यहां से ताकि ये इलाके खाली किए जाएं और यहां पर इंडियन कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनीज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन हो गैस पाइपलाइन जाएं सड़कें बने इंडिया जो पोर्ट बना रहा है उससे इंडिया का जो ट्रेड है फॉर ईस्ट का वो डिस्टर्ब ना हो मुसलमानों को अपने इलाके में इंडिया नहीं बर्दाश्त करेगा ये, अच्छा। ये सारे फसाद में मनमोहन सिंह ने दो जून को तकरीबन बर्मा का दौरा किया है उसके एक हफ्ते के बाद ये स्लॉटर शुरू हो गया अच्छा अगर आप इजाजत दीजिए हफीज साहब आप सफीर भी रहे हैं आप बर्मा को अच्छी तरह जानते हैं और जिस तरह जैद साहब कह रहे हैं कि उधर इस स्पेसिफिक ग्रो को मुसलमानों के रोहिंग्या मुसलमानों को हमेशा प्रसिक्यूट किया गया है तो मुझे ये समझा दीजिए लोग भी ये समझना चाह रहे हैं कि क्या ये उनके अंदर जो एक सेकुलर या एक सेपरेटिस इंस्टेंट जो थी वो आज भी कायम है शायद इसीलिए प्रोसिक्यूशन है या यही बात है आपके नज़दीक भी जैद साहब के जी तो नहीं के मैं मैं जैद साहब से एग्री नहीं करता पहली बात तो यह है कि रोहिंगा जो है इनका ओरिजिन हिंदुस्तान नहीं है हुँ. ये हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमान और हैं जो वर्मा में हैं मौजूद हैं इनका ओरिजिन जो है ये अरब ट्रेडर्स के के डिसेंडेंट्स हैं और सदियों से वहाँ पे आबाद हैं यानी एक रिकॉर्डेड uh, है चीज़ हिस्ट्री में कि अठारह uh, 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 में सेवनटीन जब ये हिस्सा जो है ये बर्मा का हिस्सा बना पहली दफ़ा अरकान स्टेट इसको रेखाइन भी कहते हैं और ये चिटागा से बिल्कुल मिलता है तो उस वक्त वहाँ पे 35000 हज़ार आबादी थी uh, मुसलमानों की जो कि uh, जब ब्रिटिश uh, इंडिया का जब हिस्सा बना Uh, 1911 में जो सेंसेस हुए हैं जो ब्रिटिश इंडिया में हुए हैं उसमें इनकी तादाद बढ़ के पौने दो लाख हो गई तो ये रोहिंगाज जो हैं ये बंगाल में भी मौजूद हैं बर्मा में भी मौजूद हैं लेकिन ब... में भी हैं जी मगर जी अच्छा अब मसला जो है मसला ये है कि प्रोसिक्यूशन मुसलमानों की बर्मा में जिसको आप म्यांमार कहते हैं इसकी हिस्ट्री बड़ी पुरानी है और खास तौर पे चूंकि अपना हमारे पास वक्त नहीं है कि हम साल सात साल की हिस्ट्री में जाएं उन्नीस जो है जनरल लीवन आते हैं वहाँ पे वो साल बहुत इम्पोर्टेंट है जनरल लीवन ने आते ही सारी जो है वो सोशलिस्ट लीडर थे और फौजी भी थे उन्होंने तमाम जो थी अपना प्रॉपर्टीज उनको नेशनलाइज किया मुसलमानों के बिज़नेसेस ख़त्म हुए मुसलमान वहाँ से भागे बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान में आ गए और ईस्ट पाकिस्तान से होते हुए वेस्ट पाकिस्तान आए वेस्ट पाकिस्तान से सऊदी अरब चले गए वहाँ पे उनके पास अभी भी पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स हैं तो प्रोसिक्यूशन वहाँ पे है डेफिनेटली है और जैसा कि जायद साहब ने फरमाया कि ये स्टेटलेस हैं वहाँ पे यानी 1911 में डॉक्यूमेंटेड चीज़ है कि पौने दो लाख मुसलमान थे जो अब बढ़ के आठ लाख हो गए हैं तो सौ साल से ज़्यादा कारसा हो गया है और इन लोगों के पास वहाँ की शहरीत नहीं है इन लोगों के पास बुनियादी हकूक़ नहीं है ये वहां पे जमीन नहीं है आज आज क्यों खून बहा जा रहा है आपके नजदीक आपका क्या तजिया इसलिए खून बहाया जा रहा है ये इसमें ऐसी बात नहीं है कि ये कोई मुसलमानों के खिलाफ साजिश है इंटरनेशनल मैं इसमें बिलीव नहीं करता खून इसलिए बहाया जा रहा है कि वहां पे बर्मी <laughs> और यानी जो जो के मेजोरिटी बुद्धिस्ट हैं <laughs> उनका कॉन्फ्लिक्ट मुसलमानों के साथ बड़े अरसे से चलता आ रहा है और ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट जी इट इज इसके दो डायमेंशन हैं एथनिक एंड रिलीजियस मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं मॉन्क्स जो हैं वहाँ पर ये बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि जहाँ पर फौजी तो हुकूमतें है। आती हैं वो क्लर्जी को बिफेंड करती हैं अपनी लजिटमेसी को बढ़ाने के लिए और वहाँ पर भी मॉन्क्स को उन्होंने बहुत अपने करीब लाए और मॉन्क्स जो हैं उन उनको आप देखेंगे कि तस्वीरों में आपको मॉन्क्स नज़र आते हैं लोगों को कत्ल करते हुए यानी वो जगह जहाँ पर मॉक्स जो है वो नंगे पाँव फिरते हैं कि कोई जो है वो चूटी उनके पाँव तले ना आ जाए वो आज इंसानों को कत्ल कर रहे हैं तो ये प्रोसिक्यूशन वहाँ पे है और ये लोग स्टेटलेस हैं इनके बेसिक राइट्स नहीं है दिस इज अ इशू ऑफ डिनाइल ऑफ बेसिक राइट्स टू एट लैक पीपल्स क्लोज टू वन सो यू थिंक दिस इज दिस इज एशू जो पहले से चलता आ रहा था इट्स इट्स नथिंग न्यू एट दिस टाइम और कोई आलमी साजिश नहीं है आपके नहीं। अच्छा अगर हाफिज सलमान बट साहब आपकी जाने बूंगी जमाते इस्लामी ने इस इशू को बहुत उठाया है आप चाहते क्या है पाकिस्तान की हुकूमत से आज नाइनटीन सिक्सटीज में अयुब खान ने भी आवाज उठाई थी डायरेक्ट इंटरवेंशन भी थ्रेटन की थी आज हमारी हुकूमत खामोश है तो ये बात आपको आ, अपसेट कर रही है और अगर है तो आपके नज़दीक क्या वजह है जी देखिए मैं ये जो मामला है बर्मा के मुसलमान बड़ी अच्छी बात अम्बेसडर साहब ने की है और जैद साहब ने भी कुछ इस पर रोशनी डाली है इसमें थोड़ा सा मसला और है कि अमेरिकन जो हैं वो इंडिया को इस सारे रीजन के अंदर एक सुप्रमेसी देना चाहते हैं बाल कुवत बनाना चाहते हैं और जो लोग इस रीजन की सियासत पर नज़र रखते हैं उनको अंदाज़ा है कि आस्ट्रेलिया और इंडिया की जो नेवल फोर्सेस हैं उनको अमेरिकन और ख़ुद इंडियंस जो हैं वो किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं किस तरह से उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ चाइना जो है वो भी अपनी नेवी को बिल्कुल एक रीशेप कर रहा है ताकि वो पैसेफिक से निकल करके इंडियन ओशियन और फिर आगे जो जाना है वेस्ट की तरफ तो उन अपने बहरी रास्तों को महफूज बना सके तो ये एक जियो पोलिटिकल जो सिचुएशन है उसके अंदर इंडिया जो एक हजमनी जो इस सारी रीजन में साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में आप देखिए दो लाख के करीब फौज जो है इस वक्त अमेरिका की वो जापान और कोरिया के अंदर मौजूद है तो इस सारे रीजन को हिंदुस्तान की के अंदर देने की जो कोशिश है और अमेरिका की जो सारी जो अफगानिस्तान में भी इंडिया को रोल देने की कोशिश की जा रही है वो भी इसी प्लान का एक हिस्सा है ताकि चाइना के गिर घेरा जाए तंग तो किया जाए क्या डिमांड इसमें सूरत यह है कि एक तो यह मसला जो है इंसानी भी है और इस्लामी भी है इंसानी इस एतबार से, से कि ये लोग जो वहाँ पर सदियों से रह रहे हैं जो वहाँ पर पले बड़े हैं अब जो लोग वहाँ पर माइग्रेट करके गए थे वो अब वहाँ पर जिंदा नहीं है उनकी कई नस्लें वहाँ से गुजर चुकी हैं और अब ये लोग जो हैं वहाँ के मुस्तिल बाशिंदे हैं तो हम ये समझते हैं कि उम्मत मुसलिम के जो हमारे हुक्मरान हैं इनको होश के नाखुन लेने चाहिए क्यों सहमे हुए हैं मगरब से क्यों ये डरे हुए हैं और क्यों ये खौफजदा हैं मगरब की माशी या फौजी ताकत से कि इनकी ज़ुबानें गुंग हो गई हैं ये मुसलमानों का खून बहता हुआ ये क्या हो रहा है इनको ये आसाम में क्या हो रहा है ये हैदराबाद में क्या हो रहा है गुजरात में क्या हो रहा है अहमदाबाद में क्या हो रहा है ये सारा इनको नजर नहीं आता है ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट अच्छा। एशिया के अंदर जो मुसलमान हैं उनके कतलेआम पर हमारी हुकूमत को भी आवाज उठानी चाहिए और पचपन छप्पन जो बाकी मुसलमान मुल्क हैं उनको भी कोई शर्म का चांदी साहब आप क्यों नहीं आवाज उठा मेरे ख्याल में, में पे तो इस मसले से अभी ज़्यादा रूशनास हुए चंद दिनों से कि इतना बड़ा एक मामला हुआ, हुआ है पाकिस्तान में अपनी हुकूमत की बात नहीं करता पाकिस्तान की हर हुकूमत ने तकरीबन जहाँ जहाँ भी दुनिया में मुसलमान लोगों पर कोई तकलीफ के वक्त आए हैं तकालीफें आई है, है, है तो उस पर पाकिस्तान ने भरपूर एजाज किया है किसी ख़ास पीरियड में तो जैसे मैं अपने भोटो साहब का नाम ले सकता हूँ ख़ास पीरियड में तो पाकिस्तान ने अपना किरदार भी अदा किया है दुनिया के मुसलमानों के लिए और यह भी अभी जिस अंदाज नुमाया हुआ है ये मामला यह इतनी अफसोसनाक सूरत वर्मा की और इस पर खामोश नहीं रहा जा सकता तो क्यों है खामोश <coughs> मुझे जिस अब पहली बात तो हम आपके हुकूम की तामील में आते हैं मुझे मौजू का तो पता नहीं होता कि हमें बरिफ होना चाहिए मालूम तो होनी चाहिए हमें लेकिन यह मसला है इंसानी और इस्लामी दोनों लिहाज से पाकिस्तान की हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी करना भी चाहिए मुझे ज़्यादा इसके मुतक नहीं है लेकिन हम सब चाहते हैं मैं एक मुसलमान की हैसियत से एक पाकिस्तानी की कीसत में एक इंसान की हैसियत से ये मजालिम जो है ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकते मेरा ख्याल है जैसे जैसे दिन गुजरेगा एहतजाज बढ़ता जाएगा और जो भी एक मुल्क खुद मुख्तार <coughs> जब भी दीगर मुसलमान ममालिक को प्रॉब्लम हुई है कभी भी मुसीबत में है हमेशा पाकिस्तान की तरफ देखते आएँ और एक किरदार बिंग न्यूकलियर मुस्लिम स्टेट हमने हमेशा किरदार भरपूर तरीके से अदा किया है आज क्यों नहीं कर पा रहे देखिए ट्रडिशन कायदाजों का है पाकिस्तान बना भी नहीं को कि अगर मसला कोई हल ना किया गया तो इंडिया के मुसलमान ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ बगावत कर देंगे हुँ. तो यह बात हमें विरासत में मिली है यह बात कहना कि हम अपने मुल्क को देखें हमारे मुल्क में इतने हंगामे का दर्द हम मुस्लिम हम अपने जिगर में क्यों लिए कि यह जिगर में यह दर्द हमें इकबाल ने और कायदेजम ने तोहफे में दिया और जैसे चांडियो साहब ने बात कही कि तारीखी तौर पर बात किसी एक सियासी जमात की नहीं है पाकिस्तान के अंदर उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने की एक कोशिश भुट्टो के दौर में हुई आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस मुनक़द की गई लाहौर के अंदर जहां पूरी मुसलमान दुनिया आई ओआईसी की लीडरशिप पाकिस्तान के पास आई थी उसके बाद जनरल जिया के दौर में जब मुसलमान मिल्ल में कोई भी मसले उठे आप यकीन कीजिए कि ये आजकल के बच्चों को याद नहीं है ये बात लेकिन जब उम्मत मुस्लिम की नुमाइंदगी की बारी आई तो पूरी उम्मत मुस्लिम ने पाकिस्तान से दरखास्त की जनरल जिया वेंट टू द यूनाइटेड और मुस्लिम वर्ल्ड की नुमाइंदगी की गई चाहे ईरान इराक जंग हो उसमें पाकिस्तान गया मिस्र को अरब लीग से निकाल दिया गया तब पाकिस्तान कैसा लंका में जनरल जिया की जो तकरीर है इस मास्टर पीस जिसके अंदर उन्होंने पूरी मुसलमान दुनिया को शर्म और गैरत दिलाई है कि तुम इकट्ठे हो जाओ और आओ और शामिल हो मिस्र को वापस लेकर आए बात यह तो है कि आप, आप कह रहे हैं कि हमारे हमेशा आमिरों नहीं आके हमें आमरों की बात नहीं है है भुट्टो भी हमने पहले कही कि लेकिन लेकिन जो बात हम कर रहे हैं कि इस वक्त इस दौर में जो अब हो रहा है पाकिस्तान के चार साल या आज जो उस क्राइसिस में इस वक्त सीरिया का क्राइसिस आपके सामने मुस्लिम दुनिया आज जितनी क्राइसिस में है पिछले बीस साल पचास साल में नहीं थी लेकिन उसके बावजूद इस वक्त पाकिस्तान में खामोशी है ले लें, फिर खामोशी क्यों है ये भी जानने की कोशिश करेंगे साथ एम ओ यू का भी जिक्र होगा और हफीज साहब से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि फिर इसका हल क्या है पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना चाहिए क्योंकि वो उधर एम्बेसडर भी रह चुके हैं आपसे वही शॉर्ट ब्रेक से उधर वापस आने का शुक्रिया वेलकम टू क्रॉस फायर हफीज साहब आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि जब आप सफीर भी थे तब भी अभी जिक्र हो रहा था कि भारत हेविली इन्वेस्ट कर रहा था बर्मा में तो अब आपको क्या लगता है बिकॉज आप सफीर भी रह चुके हैं हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन भी हैं आप ये भी देख रहे हैं कि अब तनकीद भी की जा रही है कि पाकिस्तान खामोश क्यों है अपना किरदार क्यों नहीं अदा कर रहा आइडियल अभी क्या कंस्ट्रक्टिव रोल पाकिस्तान अदा कर सकता है इस सिचुएशन में देखिए जी जैसा आपने फरमाया इंडिया बड़े अरसे से अरसेविली इन्वेस्ट वहाँ पे कर रहा है इन द इंफ्रास्ट्रक्चर जाायद साहब ने कहा कि 1600 किलोमीटर बॉर्डर है और ये बॉर्डर जो है बड़ा अनरूली सा है वहाँ पे बहुत स्मगलिंग होती है क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है इंडिया का प्रॉब्लमेटिक एरिया जो है सेवन सिस्टर्स जो कि बड़े अरसे से जहाँ पर मसला चल रहा है वो उसके साथ हैं तो इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है कि इस बॉर्डर को स्टेबलाइज किया जाए बर्मा के साथ तल्लत जो है वो बेहतर बनाए जाएँ तो इंडिया ने बहुत वहां पर इन्वेस्ट किया है और अब भी कर रहा है अच्छा अब आपका जो दूसरा सवाल है, आपके दौर में डिड डिड दैट दैट अस नो नॉट बिकॉज वो एक बायलैटरल चीज है uh, दो हुकूमतों के दरमियान में है यंगून के दरमियान में और दिल्ली के दरमियान में अगर सड़कें इंडिया बना रहा है जी तो दैट डिड नॉट बॉदर मी सही है मुझे तो ये देखना है कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है वो वहां पर कैसे प्रमोट होता है अच्छा अब आपका दूसरा सवाल यह है के, आ, रोल. पाकिस्तान का कंस्ट्रक्टिव रोल क्या होना जी. चाहिए मुझे इस चीज़ पे बहुत दुख हुआ है कि इस तमाम मसले में पाकिस्तान का रोल जो है पिछले आ, दो माह से बिल्कुल एक खामोश तमाशाई का है हुँ. अब तक ये दो महीने में एक बड़ी माइल्ड सी दो सेंटेंसेस की स्टेटमेंट है जो कि फॉरेन ऑफिस स्पोक्समैन ने दी है दो तीन दिन पहले उसके अलावा पाकिस्तान हुकूमत का को कोई वजीर नहीं बोला कोई हुकूमत नहीं बोली और तो लगता है हमें प्रेशर डालना चाहिए या इस हवाले से मुजम्मत तो करनी चाहिए जी, वो तो ने, दो ने, की की दो बात और आप देखें ना इंडोनेशिया का जो फॉरन मिनिस्टर है उसने ये कहा है कि हम ये मसला मक्का में जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ओ आई समिट हो रही है अगले महीने उसमें हम ये उठाएंगे <laughs> इसी तरह से सबसे पहले जो मुसलमान मुल्क बोला है इस मसले के ऊपर वो ईरान है

तब पूरी दुनिया क्यों खामोश हो जाती है आपका मीडिया खामोश हो जाता है रॉयटर्स न्यूयॉर्क टाइम्स पोस्ट ये ये गिला किया जा रहा है इनफैक्ट इवन पाकिस्तानी मीडिया दैट वी सो क्वाइट देखिए मैं ये जो थोड़ा मैं अम्बेसडर साहब से इख्तलाफ करूँगा कि ये जो है वो मुसलमानों का मसला नहीं है, है।, है ये अमेरिकन जो है वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें बड़ा क्लियर कर चुके हैं कि ये जो हमें आइंदा दुनिया को अब अपने आप को दुनिया कहते हैं कि दुनिया को खतरा जो है वो सियासी इस्लाम से है इससे मुराद वो ये लेते हैं कि वो आ, वो इस्लाम के जो गलबा हासिल करेगा जो अपने मुल्कों के अंदर इकतदार हासिल करेगा और जो पावर लेगा वो इस्लाम जो तबलीग करता फिरे जो नमाजें पढ़ता फिरे जो रोज़ रखता फिरे उससे उनको कोई एतराज़ नहीं है उससे उनको कोई खतरा नहीं है वो जो सियासी गलबा हासिल करेगा उस इस्लाम से ख़तरा है इसीलिए वो मुसलमानों को हर जगह पर नफरत की निगाह से देखते हैं और ये शुद्धि की तहरीक है मैं समझता हूं जिसमें इंडिया अमेरिका और इसराइल जो है वो इकट्ठे हो गए हैं जो आज से सौ साल पहले चली थी अब वो तीनों ममालक मिल कर के मुसलमानों को मारने दाड़ने पर लग गए हैं जो स्पेन में मुसलमानों को जो एथनिक क्लेंसिंग की गई थी और उनको मोरोज में तब्दील कर दिया गया था ये साउथ एशिया और साउथ एशिया के अंदर यही मुसलमानों के साथ खेल खेला जा रहा है ये हमारे मुसलमान हुक्मरानों के सोचने की और इस पर गौर करने की तवज्जो करने की जरूरत है कि मुसलमानों को इस सारे एरिया के अंदर से बिल्कुल वो कहते हैं कि जहां से आए थे अरब आए थे इस्लाम लेकर आए थे उनके पीछे पीछे चले जाओ यहाँ क्या कर रहे हो इंडिया में और बर्मा में और बंगलादेश में और आसाम के अंदर और दूसरी जगहों पर तो ये मुसलमानों के मगर भगत साहब अगर आप इजाजत दीजिए ये मुसलमानों के खिलाफ मगर द प्रॉब्लम इज दैट साहब के इन बातों को बहुत से लोग कंस्पिरेसी थ्योरीज भी कहते हैं मैं आपसे जानना चाह रही हूँ हमारे अपने जब घर के हालात जो हैं इतने गंभीर हैं ये एमओयू भी आज साइन हो गया है इसके अंदर तो हमारी हकीकत खुल के है कि हम किस लेवल पे खड़े हैं हम अपने आप को किस पोजीशन पे देखते हैं और हम किस पोजीशन से फिर बात करते हैं तो पता लगता है फिर कि बात होएगी कि खामोश है ईरान ने तो बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया टर्की से बाकायदा रिलीफ सप्लाईज पहुंचना शुरू हो गई टर्की ने स्टैंड ऊपर लिया हत्ता के अफगान तालिबान ने और कार जैसे बगैरत शख्स ने भी इसके ऊपर बयान दे दिया लेकिन पाकिस्तान से कोई बयान नहीं आया

किसको घूम के फिर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ही है तो बाकी नहीं है या आप किसकी में जो, हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत की तो बात है लेकिन दुनिया को पाकिस्तानियों को के खुदा को जो आगाही देते हैं जिस शोबे को मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि जो सबसे पहले इस्लामी परचम बुलंद करते हैं जो हल्के हमारे वो जो खामोश है मीडिया के दोस्त बताए होता तो आज लोग रस्तों पे आ जाते हैं बर्मा के मुसलमानों के लिए यहाँ भी जब ये मामला शुरू हुआ तो इस हुकूमत ने जिस अंदाज से फैसले किए वो इससे पहले कभी किसी हुकूमत ने नहीं किए कि उनकी इमदाद बंद करेंगे जाने नहीं देंगे ये नहीं करेंगे लेकिन ये जो आप बता रही हैं इनका अभी

मेरा अभी आया है हमारे सामने न इस पर कोई बहस हुई है न मैंने देखा है जिसको अभी आप सामने नहीं, नहीं आया शायद एक छोटा सा वक्फा ले लें उसके बाद ये क्लियर कर दें कि एमओयू साइन हो चुका है और इसकी कॉपीज भी हर किसी के पास हैं ये ब्रेकिंग न्यूज में भी पूरे दिन से चल रहा है इसके अंदर और भी ऐसे नुकात हैं कि जो वाकई चौंका देने वाले हैं आपसे वेरी शॉर्ट ब्रेक सवाल ये उठता है कि हम ब, बर्मा के मुसलमानों के लिए आवाज़ किस तरह उठाएं जब घर के हालात इतने गंभीर हों एक एम जो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान साइन हो चुका है उसकी एक दो कुछ नुकात आपके सामने रखना चाहेंगे सबसे पहले तो आपको ये बताया कि पहले करारदाद में कहा गया था कि इसलहा जो है वो अफगानिस्तान नहीं पहुंचाया जाएगा नेटो रूट्स के ज़रिए इस एम में <coughs> कहा गया है कि ये यूएस कार्गो मींस नॉन लीथल आइटम्स यानी कि असलहा नहीं जाएगा अफ़गानिस्तान मगर वो असलिहा जा सकता है कि जो अफगानिस्तान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए इस्तेमाल हो किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे ये सवालियाँ निशान है दूसरा इसके अंदर ये भी कहा गया है कि अब जो ये एम साइन हो चुका है और तय पा चुका है इसके बाद कोई ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है कोई भी इशू नहीं कर सकता यानी कि अब पाकिस्तान का कोई भी इदारा कोई भी महकमा नहीं बोल सकता आर्मी हो एम हो आई एस आई हो आपकी फॉरन मिनिस्ट्री हो डिफ़ेंस मिनिस्ट्री हो कोई अब आवाज़ नहीं उठा सकता इस हवाले से इंटरेस्टिंगली ये भी कहा गया है कि कोई भी ऐसा असल या कुछ भी पकड़ा जाए इस कार्गो के अंदर वो आप उसको सस्पेंड नहीं कर सकते उसको अपने अपने हवाले नहीं अपने पास नहीं रख सकते री एक्सपोर्ट होगा वापस वो अमेरिका को ही साथ ही इसके अंदर ये भी बताया गया है वेरी इंटरेस्टिंगली इनफ कि कोई भी टैक्सेस और कस्टम ड्यूटीज़ नहीं पे करेंगे और अगर इंटरेस्टिंगली अगर कोई भी अमेरिका का आ, जो सामान पहुंचाया जाना है अफगानिस्तान इसमें कोई भी इसको नुकसान पहुंचाया जाए या कोई और इशू खड़ा हो तो पाकिस्तान ही उसकी कीमत अदा करेगा जैसा मुझे ये बताइए कि ये आ, ये किस तरह इसके ऊपर सिग्नेचर्स हो गए तो करारदाद की नफी है पूरी मेहर अब यही बात कर रहे हैं और इसी हुकूमत को मालूम है ये बात कि ये पाकिस्तान के लिए सुसाइड नोट है हमारा खुदकुश नोट है ये इसके बाद पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी क्यामत खड़ी कर दी जाएगी कि साढ़े तीन हजार टैंक ग्यारह हजार कंटेनरस लेके अफगानिस्तान जाएंगे एक टेडिपाई वसूल नहीं की जाएगी अगर उन पर हमले किए गए तो पाकिस्तान पे करेगा और कोई पाकिस्तानी अथॉरिटी एतराज भी नहीं कर सकेगी और अमेरिका के अगर इस असले को किसी ने अगर हमने देखा कि इसमें कोई ऐसा असला जा रहा है एटमी हथियार जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसा मामला जा रहा है तो पाकिस्तान ने जो नहीं कर सकता हम नहीं अमेरिका के हवाले करना पड़ेगा जो अपनी मर्जी से अपनी आसानी से दोबारा बाहर ले जाए इसको इस डॉक्यूमेंट से ज्यादा शर्मनाक डॉक्यूमेंट हमारी तारीख में शायद कभी शायद इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर सेवेंटी में जो था वो हो सकता है जो हमने साइन किया और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट इसीलिए इसको छुपाया जा रहा है इसीलिए मीडिया के पास नहीं है इसीलिए कोई बात नहीं कर रहा इसीलिए इस प्रोग्राम नहीं देख रहे इसीलिए कहीं अवेलेबल नहीं है और ये पेट्रिय ने किसी तरीके सेट से किया है और अब तो खबर आई है आज की खबर है आपके प्रोग्राम में आने से पहले इसको हम रिकनफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं फॉरन मिनिस्ट्री से ही सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि साइन हो चुका है इसकी तस्वीरें नेट पे आ चुकी है कि ये साइन हो रहा है खुफिया सेरेमनी की गई है पब्लिक को नहीं बताया गया आपकी जमात क्या किदार अदा करेगी देखिए मैं हम तो ये जो मंदरजात है ना अभी तो खैर हम मैं इसको देख नहीं सका हूँ आ जाएगा एक आध दिन में लेकिन हम मंदरजात पे तो जा ही नहीं रहे हम तो बुनियादी इस असूल की बुनियाद पर इसके खिलाफ हैं कि ये हमारी ज़मीन हमारे अफ़गान भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल होगी अमेरिकन जो है वो आकुपेशन फोर्सेज है उन्होंने हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क पर कब्जा किया हुआ है वहाँ के अफगान मुजाहिदीन जो हैं वो अपने मुल्क की आजादी के लिए लड़ रहे हैं हमारा ये का... तो आप कर चुके हैं हैं पहले ही ना मगर जो नुक्ते हमने आपके सामने आज रखे हैं, क्या आप इस बात से फिर आपको हौसला होगा कि ये, अगर, ये, अगर हाँ जाएगा हमारी से तो वो अफगानिस्तान की नेशनल फोर्स के लिए जाएगा उसकी अफगानिस्तान की फौज पुलिस के लिए जाएगा मैं काबले कबूल है नहीं मैं तुम्हारा ये कह रहा हूँ कि ये तो हमें यहाँ से उनके लिए पैम्पर जाने पर भी

लेकिन अगर वो मान जाएं और लड़ाई खत्म कर दें और निकलना चाहें तो तुम उनको अमान की जगह पर छोड़ के आओ अगर फ्रॉम काबल टू अच्छा। काबल टू कराची अगर कोई जाता है तो उसको तो हम इजाज दे सकते हैं कराची टू चमन और जो जो है ये खैबर हम उसकी जाने की जांच नहीं दे सकते हम करेंगे कोशिश करेंगे हम कानून और दायरे के अंदर रहते हुए हम लेट जाएंगे इनके आगे ट्रकों के आगे हमारे ऊपर से चला दें फिर देखा जाएगा अच्छा बिकॉज आपका एक एक्सटेंसिव करियर रहा है सफारतकारी में भी मुझे बताइए कि जब आप भेजा जाता है हमारे सफीरों को दू दूसरे ममालिक में भी कि आप, हमारे इंटरेस्ट का तहफ़ किया जाए तो किस तरह की इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं बिकॉज़ हम लोगों ने शेरी रहमान साहबा के किरदार को उनके रोल को बहुत सराहा भी ये भी बोला कि उन्होंने बहुत विशसली फाइट किया और अपॉलॉजी भी लेकर आई उधर से उधर डिप्लोमेसी भी की मगर जब इस तरह की दस्तावेज़ हमारे सामने आ जाती है तो कितना ब्लेम जो है वो किस पर डाला जाए Uh, देखिए जो सफारतकारी है पहले तो लेट मी कम बैक टू आपने कहा कि हमारे हालात इतने गंभीर हैं कि हम अब uh, मसला नहीं उठा सकते तो 1974 में जोल्फ़ार अली भुटो ने इस्लामिक समिट बुलाई थी लाहौर में और उस वक्त पाकिस्तान को दो लखत हुए तीन साल सिर्फ हुए थे उस वक्त पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था पाकिस्तान के मसले थे uh, तो मैं ये बात चांडियों साहब के सामने कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अफसोस है कि आज की पीपल्स पार्टी जो है वो ना झुल्फ़िकार अली की पीपल्स पार्टी है ना उनकी हुकूमत है ना ये बेनज़ीर भुटोकी की पार्टी है ये जो है ना ये इसमें तजब्स नहीं होना चाहिए कि हमें बर्मी मुसलमानों के लिए के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी और अब भी उठानी चाहिए और पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए जी मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ उस तरफ भी आ रहा हूँ आपने पूछा कि सफीरों को कौन सी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं सफ़ीर जो हैं वो जमीनी हक को देख के चलते हुकूमतें जो हैं वो जमीनी हक़ को देख के चलती हैं विदाउट एनी इमोशन और रेट्रिक। जी आप बात यह है कि आप नारे बहुत लगाते हैं अमरीका के खिलाफ लेकिन जब आपको बजटरी सपोर्ट की जरूरत होती तो फिर आप चले जाते हैं तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो इस, इस में वो भी देखिए आप, आप आ, और सिर्फ नारे लगाने से फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती

लेकिन उनके लिए तो एम अमेरिका ने कह दिया तो ये हमारे अपने हैं ये हमारे हामी है असल भर जो भी इस मुल्क की सियासत करता है वो मुल्क के हालात को भी समझता है जहाँ एम की बात है वो ये बात नहीं है कि एक आदमी ने एम बनाया होगा एक पार्टी ने बनाया ऐसा है नहीं पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं जितने भी जिनके ऐसा है वो सब के सब इस एम को देखते हैं पाकिस्तान की फौज है अगर ऐसे तो आम आम हमारी फ़ौज नहीं है मुल्क की सलामती की बात हो जाएगी उसके नुकसान की बात होगी पाकिस्तान की फौज आई आईसा जिसका नाम लिया जा रहा है हमारे दोस्त बात कर रहे इन सबके साथ गुजरे फिर ये उन तमाम इदारों से होकर लॉ मिनिस्ट्री में जाता है मिनिस्ट्री फिर ओपिनियन देती है और वो तमाम विधानों से तय करके देती है दखल नहीं, एक एक नहीं होगा हो हो इस डॉक्यूमेंट को लेकिन अब वो कर रहे हैं कि जिस तरह ड्रोन स्ट्राइक्स वाला मामला है जिस तरह नेटो सप्लाई खोलने के डिसंस है इस वक्त फौज के साथ शिकायत ही हमें इस बात की है कि फौज इस वक्त जमहूरियत को और आईन को बचाते बचाते मुल्क हाथ से छोड़ रही है हमारे यही शिकायत है फौज देख रही है फौज जन क्यानी और चीफ जस्टिस जो कर रहे हैं आइन के मुताबिक कर रहे हैं लेकिन हुकूमत वक्त इस वक्त तो और मुल्क के आस पास जो खतरा और जंगे हम पे मुसलत हैं वो आइन के मुताबिक नहीं है एक बात तो मैं इनसे माफी मांगता हूँ चीफ जस्टिस साहब और फौज क्यानी साहब कानून के मुताबिक है हमने ऐसी कोशिश इस हुकूमत ने बात कर दी है जस्टिस साहब के फैसले के खिलाफ सारे फैसले जस्टिस साहब क्या ताल्लुक है सवाल ये पैदा होता है कि तो तो अफगानिस्तान में अब जंग जो है वो आखिरी मराहल में जा रही है ठीक है जी 2014 के बाद नेटो का और अमेरिका की फोर्सेस का कॉम्बेट रोल वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा आज की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें यह है कि जो कैजल्टीज हो रही हैं वो तीन गुना हो रही हैं अफगान आ, सोल्जर्स की नेटो के मुकाबले में इसका मतलब यह है कि अफ़ग़ान फौज जो है जिसको हम अफगान नेशनल आर्मी कहते हैं उसका फ्रंट रोल या ये है कि नेटो ने उनको आगे लगा लिया है कि अब आप लड़ो हम अब पीछे जा रहे हैं तो अब ये देखना है कि जिस हुकूमत के साथ काबुल में हम तावन भी करना चाहते हैं जिसके साथ हम आगे बढ़ के एक वहाँ पे पीस भी कायम करना चाहते हैं तो हम ये ना समझें कि ये सब के सब हथियार जो हैं ये अमरीकनों के लिए जा रहे हैं हथियार की अफ़गान फौजी को भी ज़रूरत है जो वहाँ पर लड़ रहा है

नेटो के सरप्राइज के थ्रू जा रही है पाकिस्तान आर्मी कंप्लेन कर तो चुकी है दे अफगान आर्मी देखे के बात समझाइए इनके पास इतना असर रसूख है नहीं और फौज जो है वो अभी आइन को बचाने के लिए खामोश है तो फिर अभी हरकत में और पावर में है फिर आपके साथ होगा क्या वैक्यूम कुछ भी नहीं होगा आपके साथ वही होगा जो सीरिया के, के साथ हुआ है वो भी बड़ा कहते थे इसराइल टर्की ईरान रीजनल कंट्रीज अलकायदा टी हर किस्म की चीज सीरिया में घुसी हुई है वही पाकिस्तान के साथ अल्लाह ना करे होने जा रहा है आसान है तीन चार साल से कहा जा रहा है ये मिस्र हो जाएगा फौज पाकिस्तान के इधारे ऐसी भी सूरत नहीं है और दूसरी बात जिन इधारों पर जिन इधारों पर मेरे दोस्त एहतम कर रहे हैं पाकिस्तान की अधलिया और पाकिस्तान की फौज पर उनसे भी ऐसी ही तो करके पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी फ़ौज पाकिस्तान के अदरिया जिन पर दोनों इदारों पर वो ऐसा फैसला कोई नहीं कर सकते जिनका कोई पाकिस्तान की सलामती ख़तराक हो जाए अगर ये डॉक्यूमेंट्स आ भी जाए मुझे नहीं पता अभी इसका आ भी जाए और ये बाहर आ जाएगा जब कानून के लोग और अदलिया सारा मुल्क इसको देखेगा और ये बिल्कुल ही मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ होगा तो क्या उस पर उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी कि वो नोटिस लेंगे अब सिर्फ अपने आप पर अहतमान करना अपने तजिए पर ऐतम करना मुल्क इस पर तो नहीं चलते और नंबर दो अगर मुझे पसंद नहीं है तो को बेचा तो था तो कीमत भी अच्छी ले लेते उसकी और दूसरी बात जब अफगान तालिबान अमरीका अठारह करोड़ की आठवीं ताकत क्यों नहीं स्टैंड ले सकती अमरीका कहां लड़ सकता है हमारे साथ ना हमें लड़ने की जरूरत है हमें सिर्फ डिप्लोमे और फॉरन पॉलिसी नेटो की

हम इसी तरह से हमारी जो है वो सूरत हाल उन्नीस अरब उन्नीस उन्नीस सौ अरब रुपए के टैक्सेस हमने इकट्ठे किए और हमारा और हमारा और उन्नीस सौ अरब रुपए की करप्शन इस मुल्क में हुई है सारे टैक्सेस तो करप्शन में चले गए मुल्क कैसे ठीक होगा उसके बाद मेहर बुखारी को इजाजत दीजिए गुड नाइट अल्लाह हाफिज़